हमारे हिंदू मुस्लिम सब भाई दिल से करेंगे, तीन नंबर के निशान पर मोहर लगाकर वचन दबाकर नासिर हुसैन उस्ताद को कामयाब बनाएंगे। नूर को नूर हिंदू एरिया डेवलप मारते हैं, नूर को नूर मुस्लिम एरिया डेवलप मारते। तीसरे नंबर पे बटन दबाना है, आवाज़ आई जब तक, लाइट आई जब तक, वोट दीजिए। इंशाल्लाह गुलबर्गा के अंदर भाईचारगी की और डेवलपमेंट के लिए हम आगे काम करेंगे। शुक्रिया। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय अल शरई पीयू कॉलेज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, MSK मिल रोड, अल शरई पीयू कॉलेज फॉर गर्ल, मिजगोरी रोड, गुलबर्गा गर्ल्स पीयू कॉलेज, बसवेश्वर कॉलोनी, अल शरई BSc डिग्री कॉलेज फॉर गर्ल्स, यदुला कॉलोनी, एंड हैप्पी डेज प्ले स्कूल, ओल्ड जेवरगी रोड। खुद नासिर हुसैन उस्ताद बनकर काम करें और यहाँ के जितने जिम्मेदारी है, ये इलेक्शन नासिर हुसैन उस्ताद का नहीं, आपका इलेक्शन है। आप नासिर हुसैन उस्ताद बनकर अपनी माँ बहनें, अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदार जो कुछ हैं उनको आप बताएं कि इस बार भाड़े वाली औरत पर के निशान पर आपको बटन दबाना है। सीरियल नंबर 3 है, किसी की बातें नहीं सुनना है, क्योंकि हिंदुस्तान का शहरी अल्लाह को मानने वाला एक जबान पर रहता है। बस हम किसी का नहीं सुनेंगे, अपना काम करेंगे। तीन नंबर के निशान पर मोहर लगाकर बटन दबाकर नासिर हुसैन उस्ताद को कामयाब बनाएंगे। एक मर्तबा इनके हाथ में पावर आ गया तो इंशाअल्लाह तमाम गरीबों के, तमाम दलित भाइयों के और दीगर भाइयों के मसाइल हल हो जाएंगे। समझ में? तो क्योंकि पीने के पानी का मसला है, रोडों का मसला, बहुत सारी चीज़ें। तो अब 40 साल दौरे ख़यादत खमर साहब का भी रहा, उसके बाद 5 साल का मैडम का है, हमारे सामने है। तो अब ख़यादत को बदलना है, दूसरों को मौका देना है, नया चेहरा लाना है और इनसे काम लेना है, है ना? इंशाल्लाह करेंगे, हमारे हिंदू मुस्लिम सब भाई दिल से करेंगे। करनाल मातला पिछले 5 साल पहले भी यहाँ पर मैं आया था, आप लोगों ने साथ दिया, वोट भी दिया, मेरी शिकस्त हुई, मगर जो शख्स जीते हैं, जिनको जीत मिली, उन्होंने 5 साल क्या काम किया है यह आज आवाम जानती है। एक लफ्ज़ भी असेंबली में बात नहीं करें। गुलबर्गा के अंदर इतने मसले हैं, इतने मसाइल हैं, जिसका हल ज़रूरी था कि ढूंढा जाए, जिसको असेंबली में बात कर कर, एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर कर, उसको हल निकाला जाए। साफ पीने का पानी नहीं है, रोड नहीं है, यहाँ पर जो माहौल बना हुआ है कर्नाटका में, उस कर्नाटका के माहौल के अंदर हम हिंदू मुस्लिम एक माँ के बच्चे किस तरह हैं, भाइयों की तरह हैं, दूरियाँ पैदा करने की कोशिश कर रही है। होना ये चाहिए कि वो इत्तेहाद को बरकरार रखा जाए, मगर हो नहीं रहा है। अफसोस, जीत उनको मिली जिनमें सियासी कोई शऊर नहीं है, जिनको बात करना नहीं आता, जिनको सियासत समझ में नहीं आती, जिनको आवाम के लिए क्या करना है नहीं मालूम, और जो आपके बीच में आपके लिए मुसलसिल तौर पर लड़ रहा है, बात कर रहा है, उसको शिकस्त मिली। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने, जितने लोगों ने मुझे वोट दिया है, आपको खुशी और फ़ख्र होगा कि आपने सही आदमी को वोट दिया है। शिकस्त होने के बावजूद मैं लड़ रहा हूँ। आज एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसने कांग्रेस को वोट दिया है और वो कह रहा है कि हाँ हमने वोट दिया है और मोहतरमा ने काम किया है। एक तरफ ये हालत और एक तरफ BJP की, कांग्रेस के कैंडिडेट एक MLA की इंतकाल हो गया, उनके मिसेस को लाके खड़ा कर दिए। एक तरफ BJP का कैंडिडेट MLC, उसका बेटा चंदू पाटिल, किसका बेटा है बोल के है, किसकी बीवी है बोल के है,
हमको किसकी बेटा किसकी बीवी देखने से बैठना है कि हमारे लिए कौन अच्छा है बोल के देखना है, ये सब फैसला करना है। हमारे लिए कौन आगे बढ़ सकता है, कौन हमारे लिए हिफाजत कर सकता है, कौन हमारे मसले को ऐवान तक पहुंचा सकता है, कौन हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बरकरार रख सकता है, ये बातें होना चाहिए। ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಚಂದು ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು 70% ಹಿಂದೂ ಏರಿಯಾಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 30% ಮುಸ್ಲಿಂ ಏರಿಯಾಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಬಂದರೆ ಗೆದ್ದು ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಗತ್ತೀನಿ 100% 100% ಹಿಂದೂ ಏರಿಯಾಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 100% ಮುಸ್ಲಿಂ ಏರಿಯಾನೂ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ತಳಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣತನ ಇಲ್ಲ, ನಾ ಯಾವ ಜಾತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸಹಾಯ ತರಗ ಯಾವ ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಬರಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಯಾರ್ದು ದ್ವೇಷ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಂಗೆ ಕಲಿಸಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪವರು ಕಲಿಸಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನೂ ಕಲಿಸಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಕಲಿಸಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮನೂ ಕಲಿಸಿಲ್ಲ. ಕಲಿಸೋದೇನದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರಪ್ಪ ಇದ್ದಿರಲಿ ನೀವು ಓಣೆ ಆಗ್ತೀವಿ. ಈ ಬಾತೆ ಹೇ ಹಾಲಾತ್ ಬಹು ಸಂಗೀನ್ ಹೇ, ಹಮಕೋ ಏಕ ಮೆಸೇಜ್ ದೇನ ಹೇ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾಸೆ, ಮುಜೆ ಉಮೀದ್ ಹೇ ಕಿ ಆಪ್ ತಮಾಮ್ ಲೋಕ ಆಗೇ ಆನೆ ವಾಲೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಂದರ್ ನಾಸಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಕೋ ಸಾಥ್ ದೇಂಗೇ, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕೋ ಸಾಥ್ ದೇಂಗೇ, ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ಕೋ ಸಾಥ್ ದೇಂಗೇ. ದೇಂಗೇ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಣ್ಣ? ಯಾಕೆ ಧ್ವನಿ ಬರಲೋಗದಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್? ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಜಾ ಬರ್ತದೆ. ಯಾ ಅಮ್ಮ ಆಪ್ ತಮಾಮ್ ಲೋಕ ಸುನ್ ರೇ, ಆಪ್ಕೂ ಘರ್ಕು ಸಾಲ್ಕು 5 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಫ್ರೀ, ಆಪ್ಕೆ ಜಿತನೆ ಖವಾತೀನ್ ಘರ್ ಮೇ ಬೈಠ್ ಕೆ 5,000 ಖವಾತೀನ್ ಕೋ ರೋಜ್ಗಾರ ಲಗಾನೆ ಕಾ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ ಹೂಂ. ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬನ್ ತೋ ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಚ್ಚೋ ಕೆ ಲಿಯೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಫ್ರೀ, ಗರೀಬ್ ಲೋಗೋ ಕೆ ಲಿಯೆ ಮಕಾನಾತ್, ಈ ಸಾರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಹೇ. ಇನ್ ತಮಾಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೋ ಆಪ್ಕೆ ಘರ್ ತಕ್ ಲಾನೆ ಕಾ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ ಹೂಂ, ಆಪ್ಕೆ ಏರಿಯಾ ಕೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕರ್ತಾ ಹೂಂ. ಏಕ ಬಾರ್ ಮೌಕಾ ದೀಜಿಯೆ, ಮೇರಾ ನಿಶಾನ್ ತೀಸರೆ ನಂಬರ್ ಪೇ, ಮೇರಾ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 3 ಹೇ. ಭಾರೆ ವಾಲಿ ಔರತ್ ಜಿಸ್ಕೆ ಸಿರ್ ಪೇ ಭಾರಾ ಹೇ ನಿಶಾನ್, ಔರ್ ಫೋಟೋ ಭೀ ಹೇ ಮೇರಿ, मेरा चेहरा भी है उसके ऊपर, चेहरा याद रहता नहीं, देख लेना चेहरा तीसरे नंबर पे, बटन दबाना है, आवाज़ आई जब तक, लाइट आई जब तक, वोट दीजिए. इंशाल्लाह गुलबर्गा के अंदर भाईचारगी की और डेवलपमेंट के लिए हम आगे काम करेंगे. शुक्रिया.